दोस्तों, क्या आपने कभी पेशाब में अंडे को उबाला है? तो क्या कभी बिच्छुओं को चटकारे लेकर खाना पसंद करेंगे? और चाइनीज के द्वारा इस खतरनाक मगरमच्छ को गटरने के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगले कुछ मिनट में आपको इन सभी सवालों के जवाब और ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए हमारी इस वीडियो को अंत तक। नंबर वन, क्रोकोडाइल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, दानव से दिखने वाले मगरमच्छ भी चाइना के लोगों का मनपसंद खाना है, जिसे चाइना वाले नोच नोच कर खाते हैं। कहने का मतलब यह है कि चाइना वालों की खाने की सोच को देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर को तेल मसाला लगाकर गटक लेते हैं। जैसा कि आप हमारी इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे इस मगरमच्छ के शरीर में सरिया घुसाकर इसे आग पर भुना जा रहा है, जिसके भुनने के बाद इसके शरीर की छोटी छोटी बोटियों को काटकर चाइना के होटल्स और रेस्टोरेंट में सर्व किया जाएगा। वाकई चाइना वालों के अंदर किसी भी भयानक जानवरों को निगलने की शक्ति है। नंबर टू, स्कॉर्पियन। दोस्तों, हम जहां बिच्छुओं के काट खाने की डर की वजह से न जाने कितनी दवाई और मंत्र फुकवा लेते हैं, लेकिन इन चाइना वालों को बिच्छुओं का भी डर नहीं है। जहां इनके पास अलग अलग वैरायटी के स्कॉर्पियंस मौजूद होते हैं, जिसे ये सोने चांदी के भाव में बेचते हैं। साथ ही किचन में कुछ इस तरह से इनके अंदर स्टिक घुसाकर बिच्छुओं को रखा जाता है, जिससे जिस भी कस्टमर को बिच्छू की जो वैरायटी चाहिए हो, उसे तुरंत कस्टमर के लिए फ्राई कर दिया जाता है। और इन कस्टमर्स को आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे बड़े शौक से अपने फेवरेट डिश को खा रहे हैं। नंबर थ्री, ऑक्टोपस। दोस्तों, आठ पैर वाले ऑक्टोपस को जहां हम दूर से ही सलाम कर लेते हैं, तो वहीं चाइना वाले इसे गर्म पानी में उबाल कर कच्चा खाने की ताकत रखते हैं। इन चाइनीज को ना तो ही इन्हें खाते वक्त ऑक्टोपस से घिन आती है, ना ही उल्टी। लेकिन अगर किसी ऑक्टोपस का साइज छोटा होता है, तो ये चाइनीज इसे कच्चा खाने में भी संकोच नहीं करते। नंबर फोर, स्नेक। दोस्तों, चाइना वालों ने तो खाने के मामले में जहरीले सांपों को भी नहीं बख्शा है, जो बेचारे अपने प्राणों की भीख भी नहीं मांग सकते। जी हाँ, ये चाइनीज लोग अपने भूख को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जहाँ ये सबसे पहले सांपों को गर्म पानी में उबालकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसका सूप बनाते हैं। सांपों के सूप को पीने के कारणों को जानकर आप बेहद हैरान होने वाले हैं, जिसमें इन चाइनीज के मुताबिक सांप के सूप को पीने से ब्लड की मात्रा में इजाफा होता है। लेकिन इन गधों को कौन समझाए कि सैलड और सब्जियों का सूप पीना ये भी ब्लड सर्कुलेशन के लिए काफी अच्छा है। नंबर फाइव, डॉग हेड। दोस्तों, ये चाइनीज तो हम इंसानों के सबसे वफादार जानवर कुत्तों को भी नहीं छोड़ते। जी हाँ, कुत्तों का सिर बड़े चाव से खाने का प्रचलन चाइना में काफी साल पुराना है, जहाँ ये सबसे पहले जिंदा कुत्ते को पानी में उबाल कर उसकी खाल खींचते हैं, फिर बाद में इसका सिर काटकर उसके कान, नाक, आंख में चटपटा मसाला मिलाकर उसे ऐसे खाते हैं कि मानो अभी अभी दुनिया खत्म होने वाली हो। नंबर सिक्स, क्रैब्स। दोस्तों, सी फूड में सबसे पहला स्थान केकड़ों का ही आता है, जिसे कभी मैंने भी बड़े बचपन में चाव से खाया था। तो वहीं चाइना में क्रेब्स के लोग इतने दीवाने हैं कि इसे वेंडिंग मशीन में काफी दिनों तक स्टोर करके रखते हैं, जो हमें चाइना के हर ग्रोसरी स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। नंबर सेवन, बैट। दोस्तों, जहां चाइना के लोगों ने मगरमच्छ, बिच्छू और सांपों को काटकर खा लिया हो, उनके लिए चमगादड़ खाना कौन सी बड़ी बात है। यह बात आप भी मत भूलिएगा कि कोरोना की असली जड़ चमगादड़ खाना ही है। तो वहीं हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चमगादड़ के शरीर में तरह तरह की बीमारियां पलती हैं, और इसे खाने के बाद ही इन चाइना वालों ने लाखों करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा है। लेकिन बावजूद इसके, चाइना में चमगादड़ों को ऐसे खाया जाता है जैसे हम मोमोज या फिंगर खाते हैं। नंबर एट, पफर फिश। दोस्तों, गुब्बारे से मुंह वाले पफर फिश के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसमें दुनिया भर का जहर मिला हुआ है, लेकिन इस जहरीली मछली को बड़े शौक से खाने के लिए चाइना में बड़े बड़े शेफ हायर किए जाते हैं, जो इस मछली को कुछ इस तरह से काटते हैं, जिससे इसका सारा जहर वेस्ट मटेरियल के रूप में निकल जाता है, और बाद में इसे ऑलिव ऑयल और देसी मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करके खाने के लायक बनाया जाता है। नंबर नाइन, पैंडा टी। दोस्तों, चाइनीज के बीच चाय और कॉफी को लेकर काफी अच्छा खासा क्रेज देखने को मिलता है, लेकिन इनकी अजीबोगरीब चाय की रेसिपी को देखकर आपका दिमाग भी हिल जाएगा, क्योंकि जिस पैंडा टी को बड़ी चुस्कियां लेकर ये पिया करते हैं, वो असलियत में पांडा के वेस्ट मटेरियल से बनाया जाता है। इस चाय के बारे में महाअनुभवी चाइनीज का मानना है कि ये कैंसर के पेशेंट को ठीक करने का काम करता है। इसका मतलब तो ये है कि जो भी इंसान इस पांडा टी को पिएगा, उसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी नहीं होगी। सच में अगर ऐसा होता भी तो लोग कैंसर का इलाज कराने के लिए अमेरिका नहीं भागते। नंबर टेन, एग्स। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर लोग अंडा खाने का काफी शौक रखते हैं, लेकिन जहां हम एग्स को पानी में उबालते हैं, तो वहीं ये चाइना वाले गोल गोल अंडों को पेशाब में उबालकर इसका जायका लेते हैं।
जिसके पीछे ऐसा करने की सोच क्या है ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि चाइना के लोगों का ये मानना है कि पेशाब में अंडे को उबालने से इससे ज़्यादा प्रोटीन हासिल होगा, पर हमें तो इस बात पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। तो वही ये चाइना वाले कितने पापी हैं कि ये मरे हुए इंसानों का बचा हुआ अंश खाने से भी पीछे नहीं हटते, जिसमें ये इंसान के पूरे शरीर को नोच नोच कर खाते हैं। तो दोस्तों, आपका इन चाइना वालों की खाने की बुरी आदतों के बारे में क्या ख्याल है? इस बारे में जानकर कैसा लगा? अपनी ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही ऐसी और भी मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।